पर किस लिए आता है? आने का मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना, और पावन बनाने के लिए माध्यम क्या बनता है? यम। पावन बनाने के लिए ज्ञान के अलावा और कोई बात है और कोई चीज है जो पत्तों को पावन बनाए? नहीं, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि पावन बनती है। बुद्धि को पावन बनाने के लिए ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जवाब नहीं, समझ में आई बात कि नहीं है? समझ में नहीं आई है? क्यों? अरे भाई, फीलिंग की बात है। सुप्रीम सोल एक में प्रवेश करेगा या अनेक में प्रवेश करेगा? सर्वव्यापी बनेगा। अरे एक व्यापी बन करके वो सृष्टि में अलग जगाएगा या अनेक व्यापी बन करके अलग जगाएगा? एक में काव्य तो हो तब ज्ञान सुनाए, नहीं तो एक के मुख की बात दूसरा मुख सुनाएगा तो बात बदल जाएगी। अगर विष्णु भी ज्ञान सुनाने लगे और ब्रह्मा भी ज्ञान सुनाने लगे तो बात जरूर बदल जाएगी। एक मुख बात क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए जो बात सिर्फ ज्ञान को सुनाने के लिए, ज्ञान अर्थात पहचान, एक में ही प्रवेश करता है, ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है, परंतु वो जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया गया वो सिर्फ सुनने सुनाने मात्र ही रह गया या समझने समझाने की भी चीज बन गई है? सुनने सुनाने के लिए रह गए, उससे तो कल्याण नहीं होने वाला। फिर तीसरी बात आती है, सुनने सुनाने से भी कल्याण नहीं होता, समझने समझाने से भी कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होगा? जब धारण करे और धारणा कराए। फिर ये धारण करने का काम भगवान का है या आत्माओं का है? आत्माओं का है। तो धारण करने वाली जो आत्मा पहला नंबर निमित्त बनती है वो विष्णु कही जाती है, तो फिर प्रवेशता की क्या बात है? हमने धारण किया, प्रवेश होने की बात ही नहीं, भगवान भी धारण करेगा क्या? भगवान चार पांच बार मांग लोगे करते, चार पांच बार मांग लोगे करते। एक है प्रजापिता ब्रह्मा, बाकी है चार ब्रह्मा। वहाँ वाद्य यंत्र सभी प्रकार के होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मीठी वाणी सुनाने वाला यंत्र होता है वो मुरली ही है। इसलिए जो सतयुग में पैदा होने वाले राधा के जैसे बच्चे हैं उनमें सत्य है मुख्य आत्मा, और वो मुरली में सिद्धार्थ है, इसलिए मुरली दिखाई जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई ज्ञान की मुरली सुनाई नहीं, वो सिर्फ वाद्य यंत्र है। वहां वाद्य यंत्र भी बजाएंगे, डांस भी करेंगे, धीमी धीमी आवाज में गीत भी गाएंगे, खेल भी खेलेंगे। संगम की फिरती रहती है ना मुरली की, मुरली तो संगम के ज्ञान में मिलता है, आत्मा के अंदर इस ज्ञान की फिरती रहती होगी तब तो मुरली बनी। तो दूसरे यंत्र जो बने हुए हैं तो और भी तो बाजे हैं, ऐसे थोड़ी बात है वो मुरली ही बजाते हैं, और भी प्राकृतिक साधन के ढेर बाजे बनते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं।
संपूर्ण आत्मा और सोने सोलह संपूर्ण आत्मा को पवित्रता में क्या फर्क होता है? जो सोलह कला संपूर्ण होगी वो आत्मा है, और जो पौने सोलह कला संपूर्ण होगी परम धाम से उतरेंगी तो, लेकिन सोलह कला संपूर्ण नहीं होगी, उनकी कुछ न कुछ कला कम होगी, और वो कमी हुई द्वापर युग में जा करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाएगी। ये अंतर पड़ जाता है। कन्वर्ट कौन होगा, इम्प्योर कन्वर्ट होगा या पवित्र कन्वर्ट होगा? कौन कन्वर्ट होगा? इम्प्योर कन्वर्ट होगा, जिसकी बुद्धि अपवित्र है वो ही कन्वर्ट होगा। और वाइब्रेशन के आधार पे संगम, हाँ एक हाँ वाइब्रेशन के आधार पे संगम में बच्चों की बिराई थी। वाइब्रेशन के आधार पर संगम में राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों की पैदाइश होगी। सचयुग में झूलता आ जाती है क्योंकि देह का भान आ जाता है थोड़ा। देखा मैं बाबा ने बताया हाथों के डिफरेंस, देह भान और नीचे उतर जाता है द्वापर में, द्वापर में दो खंड हो जाते हैं, देह भान को पूरा ही दो खंड कर दिया, पूरा देहवान कर गए, कम से कम सत्युग त्रेता में देहवान खंडित तो नहीं होता, द्वापर युग में तो खंड के ही कर देते, तेजी से विकार बढ़ते हैं। हाँ जी, आठ देव हैं, वो ही आठ जस्टिस बनते हैं। आठ देव जो है वो आठ जस्टिस का ना बनते हैं, उनके ऊपर की जस्टिस होता है हाँ या ना में सही बोलते हैं। वो आठ दिशाएं गाई हुई हैं, हैं तो दस दिशाएं, लेकिन जो आठ दिशाएं हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके कॉर्नर आठ दिशा है, जहां दुनिया के खंड बने हुए धर्म खंड, बाकी ऊपर और नीचे कोई धर्म खंड नहीं है। तो जो आठ आत्माएं अपने अपने धर्मों की पूर्वज है, आठ धर्म खंडों की पूर्वज, उन अपने अपने धर्म खंडों के चीफ जस्टिस कहे जा सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई वो ट्रिब्यूनल में आ जाते हैं। ट्रिब्यूनल में तो तीन ही मुख्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। जाते हैं लेकिन उनकी पैदाइश कहाँ से होती है? जिससे पैदाइश होती है वो रचयिता कहा जाता है। रचयिता में ज्यादा ताकत होती है या रचना में ज्यादा ताकत होती है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है। बाबा ने मुझे बताया है छोटी है जैसे तुरंत जन्म लेती है, क्या अर्थ है? मतलब शरीर जैसे छोटी आत्मा कल बिल्कुल बड़ी बात हो गई क्या? अरे वो तो जन्म तुरंत ले लेती है, सेकंड लगता है, लेकिन उसका जो शरीर तैयार हुआ है गर्भ में वो तो चार महीने पहले से ही तैयार होने लगता है, वो तो और ज्यादा बंधनपूर्ण बात हो गई। ये कोई बड़ी बंधनपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, कही जाती है, पांच तत्वों की बनी हुई नहीं है। पांच तत्वों की जो चीज होती है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आत्मा तत्वों की बनी हुई नहीं है,
उसे तो आने जाने में टाइम ही नहीं लगता। आत्मा तो कहा जाता है मधुबुद्धि को, और मधुबुद्धि तो अभी यहाँ आया एक सेकंड में रखा लंदन करते हैं। ये हिंदू लोग करते हैं या क्रिश्चियन मुसलमान भी करते हैं, अपनी अपनी मान्यता है सब धर्म, कोई कुछ भी करे। हाँ बाबा जी आज बोला था छूट कर लेते हैं अपने आप को, या तो हत्या कर लेते हैं। हाँ जब उनको सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़े, क्योंकि दुख में शरीर छोड़ा या सुख में शरीर छोड़ा, दुख में अभी भी दुख में शरीर छोड़ा। जब कोई बहुत दुखी हो जाता है तब ये आत्महत्या करता है, और जब बहुत बेबस हो जाता है तभी दूसरे को छूट करता है। पूरा जन्म तो नहीं पूरा हुआ ऐसे हाँ, तो बीच में कहीं छूट गया ना। हाँ अधूरी आयु रह गई, तो जितनी आयु रह गई है उसमें उनको भटकना पड़े। और बाबा ने कहा नहीं, हाँ मम्मा का अंतिम संस्कार किया था के अंदर, हाँ पूरा भक्ति मार्ग के हिसाब से ज्ञान समय वाले की शादी किया, हाँ लेकिन लेखराज जी का जब श्री पूरा होया तो उस समय उन्होंने वहीं पर सब काम कर दिया। तो अंतर ये है जो करने वाले हैं जिनके हाथ में सत्ता है, जो उत्तराधिकारी बने वो स्वधर्मी थे या विधर्मी थे, तो विधर्मी तो विधर्मी तरीके से ही करेंगे। जो स्वधर्मी है ब्रह्मा की सोल वो स्वधर्म के तरीके से करेगी, जो स्वधर्मी है उनका भक्ति मार्ग में अंतिम दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार का मतलब है शरीर को देहधन को जला देना, पूरा ही खत्म कर देना, राख बना देना। फाउंडेशन इस बात का कहाँ पड़ता है, जब बाप आते हैं तो जो पक्के पक्के देवताएं हैं उनका देवान 100% राख बन जाता है, जम जाता है, और दूसरे धर्म में कलवा मारने वाली आत्मा उनका देवान रह जाएगा। देवान रह जाएगा तो देवान की मिट्टी में दबना पड़े, तो और धर्म वाले देवान की मिट्टी में दबाए जाते हैं, और भारत में उनको दबाया नहीं जाता है, उनको जला के खाक कर देता है। जो बाप के बच्चे हैं पक्के आत्मा विमानी बने हैं, जरूर उन्होंने पुरुषार्थ करके देहधन की मिट्टी को जला करके खाक कर दिया है, वो भी पानी में बहा देते हैं, ज्ञान जल में बहा देते हैं। और एक ही तरह के सृष्टि चक्र के रिपीटेशन का क्या रीजन होगा, एक ही तरह के सृष्टि का रिपीट करते हैं उसका क्या चक्र है, एक ही तरह के सृष्टि को रिपीट करते हैं उसका क्या चक्र, उसका क्या रीजन माने सृष्टि चक्र हो बहु रिपीट होता है, इसका मतलब क्या है। हाँ इसका कारण यह है, आप अभी कहाँ से आए, कहाँ से आए हैदरपुर से, कहाँ वापस जाएंगे हैदरपुर। तो ये दुनिया का चक्र है, दुनिया के चक्र में चाहे चैतन्य आत्मा हो और चाहे जड़ अणु अणु हो, उनका सबका अपना साइकिल है। वो साइकिल में हरेक अणु अणु हरेक आत्मा नाचती रहती है, हर एक को अपने साइकिल में राउंड जरूर लगाना पड़ेगा, ये नियम है। जैसे नियम बना हुआ है इस दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पकार होती है, ऐसे ये भी शक्ति का नियम है, प्राकृतिक नियम है कि जो जहाँ से आया है वहाँ वापस माला तो बनती है बाबा, आठ की है तो आठ की कोई माला बनती है, तो उनमें दो भागे की हो जाती है, एक उसके ज्ञान को एक स्नेह की जो कि डायरेक्ट बाप से दर्शन करने की धारण करने संस्था धारण करने पड़ते हैं, लेकिन
दो मन के कनेक्शन आपस में काफी क्लोज होते हैं, दो दो मन का आपस में काफी संबंध समझते रहते हैं, माना उनके दिल और दिमाग एक दूसरे से मिले होते हैं। तो फिर ये आत्माओं का एक साथ भी कनेक्शन और परमात्मा बाप के साथ भी कनेक्शन, ये दोनों एक साथ कैसे स्थिति बनी? माला में धागा होता है, एक धागा है ज्ञान का और एक धागा है स्नेह का। क्या ज्ञान आता है निराकार से ज्योति बिंदु से, और स्नेह शरीर के द्वारा आता है, प्यार शरीर के द्वारा साबित होता है कि अकेली आत्मा के द्वारा साबित हो सकता है? तो जो शरीर में परमात्मा बाप प्रवेश करता है उस शरीर के द्वारा प्यार साबित होता है, वो प्यार का धागा है, स्नेह का धागा है, क्योंकि बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान चाहिए, शंकर का तीसरा नेत्र ही चाहिए, रुद्रमाला ही चाहिए, ज्ञानी तो आत्माएं ही चाहिए, नहीं ज्ञानी तू आत्मा ही चाहिए तो बैठे रहो कैलाश पर्वत। इसलिए दोनों ही चाहिए धागे, कोई आठ की माला हो या 108 की हो, 1000 आठ की हो, 16000 की आठ की हो, दोनों ही धागे चाहिए। परमात्मा बाप बाबा तो एक है, श्री बाबा तो एक है, श्री बाबा से सच्ची याद के द्वारा संबंध होते साथ साथ में और भी मन के साथ साथ जुड़े होते हैं। हाँ, वो इसलिए जुड़े होते हैं, इसलिए जुड़े होते हैं कि किसी का पुरुषार्थ कम और किसी का पुरुषार्थ ज्यादा। जिसका बहुत कम पुरुषार्थ है वो नीचे की ओर, जिसका पुरुषार्थ ज्यादा है वो ऊपर की ओर, और उसके जस्ट जो नजदीक माता है उसका पुरुषार्थ उसके पुरुषार्थ से मिलता जुलता है। लक्ष्मी का पुरुषार्थ नारायण के पुरुषार्थ से बहुत नीचा नहीं हो सकता, लगभग समान होगा। क्यों? क्योंकि सचिव त्रेता में द्वापर कलयुग में जाकर के उनको आरस पर जन्म भी लेने हैं, खास करके सचिव त्रेता में तो एक जन्म स्त्री का लेना है और एक जन्म पुरुष का लेना है, इसलिए उनकी ज्ञान की गति और उनकी स्नेह की गति दोनों में संस्कार समान हो जाने चाहिए। तो जब विष्णु बनते हैं तो संस्कार समान हो जाते हैं, फिर ऐसे नहीं कहेंगे नहीं ये तो रुद्रमाला के मांगे हैं, ये ज्ञानी की आत्मा है, नहीं वो ज्ञानी की आत्मा ही है रुद्रमाला के मांगे, और विजयमाला में ऐड हो गए तो इतने ही आत्मा भी, और इसने पक्का तब तक साबित नहीं होता जब तक प्योरिटी ना आए। प्योरिटी साबित ही तब होती है जब पांच विकारों पर विजय होती है। रुद्रमाला के मांगे अगर पांच विकारों पर अंत में विजय नहीं होंगे तो वैजयंती माला में पिरोए नहीं जा सकते। है हाँ, दो मंत्र है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा, कहने वाला कौन? मेरे मन में समा जा ये कहने वाली आत्मा कौन? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल अमन होता है या मन वाला होता है? अमन होता है, उसको तो मन है ही नहीं जो कहे कि मेरे मन में समा जा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस ऊपर में प्रवेश करता है उसको अपना मन होता है, और वो ही संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाला है। जो संपूर्ण ज्ञानी है बाप समान स्टेज को पाता है, जिसकी यादगार में उस नामधारी को
शिव के साथ मिलाया जाता है, और कोई देवता को शिव के साथ नहीं मिला लेंगे। ऐसी संपूर्ण ज्ञानी तू आत्मा का जो मन है उस निर्मल मन में तू ही समा जा। जो उसके अंदर संकल्प चलते हैं वैसे ही संकल्प तेरे भी चलने चाहिए। संकल्प मात्र भी अगर विरोधाभास आया और अंत तक वो विरोधाभास बना रहा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। माने वाचा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से हाथापाई करना या विरोधी काम करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मन के संकल्पों में भी एकाकार हो जा, ये है मन मना भव। और ऐसी स्टेज जो प्राप्त करेगा मन मना भव, और जितनी ऐसी मन मना भव की स्टेज प्राप्त करेगा उतना ही मध्यागी भव बनेगा। यागी माने यजन करने वाला, मेरे में समर्पित होने वाला, स्वाहा होने वाला। कम मन मना बहु बना होगा तो कम सहयोगी बनेगा, पूरा मन मना बहु बना होगा तो पूरा सहयोगी बनेगा। तो कौन सी आत्मा है जो नारायण की पूरी सहयोगी बनती है? लक्ष्मी है। कोई भी बात में मनता के संकल्पों में दृष्टि में वृत्ति में वायुमंडल बनाने में कर्मेंद्रियों में वाचा में बाप के तमाम अंतर चलने वाली होनी चाहिए। तो कहेंगे मध्यागी भव हुआ, और ऐसा जो मध्यागी भव होगा वो जन्म जन्मांतर बाप से भी ज्यादा खुशी रहेगा। बाप उतना जन्म जन्मांतर सुख नहीं भोगेगा, लेकिन उसको सहयोग देने वाला, उसके कार्यों में यजन करने वाला वो ज्यादा सुखी बनेगा। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा का मतलब है कि और देहधारियों से मोह नष्ट हो जाए, जो एक देहधारी है उसकी ही स्मृति आए, याद आए, और कोई की याद ना हो। क्या बोला? गणेश की तरफ के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, चाहे गणेश हो या गणित जैसे कोई भी हो को साथ करने वाले, उनका जन्म बाप से होता है कि सिर्फ माँ से होता है? माँ से जन्म होता है। और ये संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है? गणेश के जन्म की यादगार जो है वो संगम की यादगार है या सतयुग की यादगार है? संगम की यादगार। संगम युग में भी गणेश ने जो पुरुषार्थ किया है उसकी यादगार है। और गणेश हो चाहे रामायण के लव कुश हो ऐसे बच्चे जो है वो
वो बाप का विरोध करते हैं कि नहीं, लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं है? लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, इसका मतलब बाप के बच्चे नहीं है, माँ के बच्चे हैं। और माता में देहवान ज्यादा जाति होता है या बाप में देहवान होता है? माँ में देहवान होता है, बाप में देहवान नहीं होता है उतना। इसलिए जो भी पुरुष मात्र है वो बीज रूपी स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं और माताओं को टिकने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो जो बड़े समस्या है वो तो खास भक्ति मार्ग में गंध से पैदा हुआ दिखाया गया है या खुशबू से पैदा हुआ, मैल से पैदा हुआ, वो देह अभिमान की मिट्टी है या आत्माभिमान कहेंगे है? देह बन गए तो देह अभिमानी है, उनकी पूजा द्वापर से दिखाई गई नहीं दिखाई गई। कहाँ दिखाई गई? जब भक्ति मार्ग तमो प्रधान हो जाता है तब उनकी पूजा होती है, चाहे वो बने तो हो, चाहे हनुमान हो और चाहे वो देवियां हो। वो मारे गए तो क्या दोबारा जन्म नहीं लेंगे? जन्म लेंगे या नहीं है? हाँ, वो जन्म लेंगी या नहीं लेंगी? अच्छा, 20 साल बाद क्यों जन्म लेंगी? आप उनको 20 साल क्यों ले जा रहे हैं? 80 साल बाद क्यों नहीं बताया है? वो एक ही बात है, उनका मुक्ति का मार्ग भी वही है जो और भी धर्मी आत्माओं की मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति नंबर वन है, उन आत्माओं की भी मुक्ति नंबर वन है। थोड़ा ज्ञान लेंगे और थोड़े जन्म लेंगे। महेश का अर्थ है महा ईट, ईट माने शासन करता। अब शिव जो है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, वो शासन करता है क्या? कोई तो शासन नहीं करता, वो राजा बनता ही। हाँ, जिस मुकर्रर रसों में प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा राजा बनता है दुनिया का, जिसे कहते हैं विश्व का बाप का। विश्व का बाप का कह दो और चाहे इसको महाईश कह दो, महेश कह दो, बाप नहीं। हाँ जी बाबा, आपको किसको? जो मारे जाते हैं उन्होंने पूर्व जन्म में मारा पीटी की होगी तब मारे गए कि ऐसे ही मारे गए? आप बताइए, कर्मों की गति आप नहीं जानते? आप कर्मों की गति जानते हैं ना? कर्मों की गति ये कहती है जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। हत्या करेगा तो हत्या भी होगी। अरे आप तो अभी 500 की बात कर रहे हैं। अरे इस आतंकवाद में तो हजारों नहीं लाखों जी लिए होंगे। अभी तो बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमने जब कानों में अभी सुन लिया, अखबारों में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया। हाँ, बिना नहीं कि
ये कहा कि जो ज्यादा पाप करने वाली पाप कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, वो ज्यादा पाप कर्म करने वाली आत्माएं ज्यादा पाप न कर पाए, इसलिए उनको बीच में चली धोने का प्रावधान प्रकृति में बना हुआ है। और सैनिक मारे गए उनकी भावना अलग है, उनकी जो सैनिक मारे जाते हैं या युद्ध में जो मारे जाते हैं, आप बीच में एक तो बोला मत करिए, पूरी बात का जवाब दे लिया करिए, आप इतने आगे में क्यों आ रहे हैं, पूरी बात तो समझ लो ना। जो सैनिक मारे जाते हैं उनकी भावना होती है देश की सुरक्षा की, अब देश की सुरक्षा की भावना में जितने मृत्यु मृत्यु पाई है उसकी भावना शेष है या निष्कर्ष है, शेष भावना को शेष स्थान मिलेगा या खराब स्थान मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलता। ये गाया जाता है कि जो युद्ध करते करते प्राण छोड़ता है उसको स्वर्ग मिलता है, अब इस दुनिया में स्वर्ग तो नहीं है, क्या स्वर्ग है, स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ जहां कहीं जन्म मिलेगा सुख के जन्म मिलेगा, दुख का जन्म नहीं मिलेगा, सुखी घराने में जन्म मिलेगा, इसलिए अंतर पड़ जाता है। मरते तो बहुत है, सुरक्षा करने वाले सिपाही भी मरते हैं, सिपाहियों का लक्ष्य क्या है और मरने वालों का लक्ष्य ऐसा है क्या नहीं, इसलिए अंतर पड़ जाता है। भाव सधारण विश्व रचि राखा, जो जैसा करे तो सब फल का, हम तो मते तो मत भावना का अंतर पड़ जाता है। हाँ नहीं था, परंतु बात का जवाब ले लो फिर उसके बाद मारा गया सुना ही आप अपने देवान को बैठे हुए आप सुने नहीं, अरे इन लोगों को जवाब मिल गया आपको क्यों नहीं जवाब मिला, जवाब दे दिया पूरा, जिसकी जो सैनिक है जो सिपाही है जो योद्धा है वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है सुरक्षा के लिए, इसलिए उसकी भावना देश से है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा कहा जाता है, उसकी भावना देश से है तो अंत मते तो गति देश की गति होगी, उसको कुछ तो शरीर क्यों मिलेगा। हाँ जी को साथ दिखाते हैं, लेकिन शास्त्रों में दिखाते हैं कि रुक्मणी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ, किसने साथ दिखाया, राधा कृष्ण को तो साथ दिखाते हैं, कहाँ साथ दिखाते हैं, साथ खेलता हुआ दिखाते हैं, भक्तिनाथ मंदिरों में। हाँ तो जो भक्तिनाथ में मंदिरों में साथ दिखाते हैं वो शूटिंग साथ रहने की मन बुद्धि से होती है या देह के साथ होती है, शूटिंग कैसे होती है, मन बुद्धि के आधार पर सारी शूटिंग हो रही है, देह की शूटिंग हो रही है, उनकी कंधे पर चढ़े हुए हैं सरेंडर हो गए हैं, बुद्धि बाहर की दुनिया में चली जा रही है, तो वो साफ रहेंगे नहीं, सारा बुद्धि का कमाल बाबा जो पांडव का साथ दिया भगवान ने विदुर ने विदुर तो त्याग पत्र दे करके कौरवों को भी घर में बैठ गए, न उन्होंने पांडवों को साथ दिया न उन्होंने कौरवों को साथ दिया, कौरवों को साथ इसलिए नहीं दिया कि वो अधर्म पर चल रहे थे, और पांडवों को साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने जिसके घर में खाया पिया था नमक किसका खाया, कौरवों का सारा जीवन नमक खाया, उनके खून में पैदा हुए, कुंभकर्ण ने भी क्या कहा, कुंभकर्ण ने भी भगवान से यही कहा, भगवान आपकी बातें सब ठीक है, आप धर्म के मार्ग पर हैं, रावण धर्म के अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन मैंने जन्म कहा लिया है इसलिए मैं अपने खून का साथ दूंगा तुम्हारा साथ होगा भी है? तो कभी होते हैं, जो भी शास्त्रों में जो भी नाम आए हैं वो कहाँ के नाम है, यही के नाम है माने विशेष दु 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 विशेष ज्ञान
जानकारी वाला, जिसको विशेष जानकारी है, विदु हम जानकार, वेद से बना है विदु, विद जिसको जानकारी है, विद्वान है, उसका नाम विदुर है। और विद्वान वही कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में ऐसा आचरण करके दिखाए। मैं गीता पाठ का चला रही हूँ। कोई बात नहीं, जिनको गीता पाठशाला दूर पड़ती है वो अपने घर में भी तो रख ही सकते हैं, कैसे तो रख ही सकते हैं। गीता पाठशाला में महीने में एक बार जाए अगर बहुत दूर है, थोड़ा कम दूर है तो महीने में दो बार जाए, और कम दूर है तो महीने में चार बार तो जाए, दूसरे तीसरे दिन तो जा सकते हैं, रेगुलर जाए। अगर पक्का कर लिया है कि महीने में एक बार जाना है तो जाना ही है, और जाते हैं तो उनको रेगुलर कहा जाएगा। और फिर टाइम से जाए, ऐसे नहीं मूली खत्म हो गई टाइम किया और भागे, तो उनको फिर पंक्चुअल नहीं कहेंगे। रेगुलर स्टूडेंट भी हो और पंक्चुअल भी हो, ऐसे पाठशाला में पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टीचर अच्छी नजर से देखता है, भले बुद्धि है या नहीं है, लेकिन लगन तो है, हिम्मत तो है, तो हिम्मत करने वाली बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी मदद मिल जाती है। उनके लिए भी बोल दिया कि याद की यात्रा में अगर सीखे हैं, याद अगर सीखी है तो अंत में चार सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। सुबह का अमीर और शाम का फकीर, दुनिया की ऐसी कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ा साहूकार बनती है, उससे बड़ा दुनिया में कोई साहूकार ज्ञान की दृष्टि से कोई बनता ही नहीं। और दुनिया की ऐसी कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ा फकीर बनता है, उससे बड़ा फकीर कोई बनता ही नहीं। नहीं समझ में आया, वो सुबह का अमीर माने सत्युग होता है, सुबह सत्युग रूपी सवेरे जब होना होता है तो विश्व का बादशाह बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा साहूकार बन जाता है। और जब परम पिता परमात्मा बाप शिव प्रवेश करते हैं तो वो जितना गरीबी में होता है और गरीब परिवार में पलता है उतना कोई पलता ही नहीं। कृष्ण ने राम का साथ दिया और रावण का साथ छोड़ दिया, तो रावण विद्वान भी था, फिर भी उसने साथ हो गया और राम का साथ दे दिया। अगर राम साथ न देता तो क्या राम जी अकेला चला भार बोलता है क्या? नहीं बोलता ना, पक्की बात है ना। तो इस दुनिया में जितने भी होते हैं वो सब के सब रावण संप्रदाय है या कोई राम संप्रदाय भी है? किस दुनिया में भगवान बाप के आने से पहले सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो रावण संप्रदाय में कोई कुंभकर्ण जैसे साधु सन्यासी भी है, कोई विभीषण भी है। जो विभीषण है वो भगवान बाप को पहचान लेते हैं और पहचान के आधार पर रावण का साथ छोड़ देते हैं, राम की सेना में आ जाते हैं। राम की सेना में आने के बाद जो भी बुद्धि की कला है, बुद्धि का सहयोग है कण बुद्धि का, वो रावण को सहयोग देंगे या राम को देंगे? तो विभीषण ने भी क्या किया? रावण के बारे में जितनी भी कमजोरियां थी कौन सारी राम को बता दो, तो खराब क्या किया? मन वचन कर्म, मन का वाचा करना, तन मन धन से सब प्रकार से सहयोगी बनना है या कोई प्रकार छोड़ देना? तो हम सब क्या हुए?
हम सब डिलीट हो गए संगमी में चारों कर्मों की पूजन करती है आत्मा जो ज्ञान में आती है और द्वापर कलयुग में दुखी दुखी का पाठ हो जाती है द्वापर कलयुग में दूसरी मूर्ति आत्मा का पाठ चलता है तो दूसरी आत्माओं को दुखी देती है इससे साथ चल सकते हैं उसके लेकिन दादा लेखा की आत्मा किसी को दुखेगी या फिर उनका ये द्वापर कलयुग का पाठ कब से स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ ये धरती से बात की बात है क्या धरती को लेके और प्रकाश की ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब तक प्रवृत्ति मार्ग का पाठ बजाएगी तब तक अच्छा पाठ बजाएगी या निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाएगी तब तक अच्छा पाठ बजाएगी तो प्रवृत्ति मार्ग का पाठ कब तक बजाया कोई भी बात करना है कोई भी काम करना है पहले किसके सामने रख दिया ब्रह्मा बाबा में इतनी तो धारणा थी कि कन्याओं माताओं जितनी प्योरिटी है उतनी पुरुषों में नहीं होती तो मम्मा का बहुत मान रखा ब्रह्मा बाबा ने भक्ति मार्ग में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तो देवता धर्म की सूची कब तक हुई बोलो ना जब तक मम्मा थी और मम्मा के शरीर धोने के बाद मुरली ने आ गया इन सितारों में सबसे जाती खातरी किसकी होती है तो प्रवृत्ति टूट गई या रह गई इसलिए द्वापर कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई या सतर्क देता की शूटिंग चलती रही बिल्कुल आपने इसका मतलब सीढ़ी का चित्र का क्लैरिफिकेशन तो सुना ही नहीं सीढ़ी के चित्र में यही तो क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की कर्म की दुनिया में रावण राज जी की ड्यूटी हो रही और पांच वचन तो तभी पड़ गया था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था सारे क्रियाकलाप बदल गए उस समय माना कुमारी का दादी का सहयोग नहीं दिया अच्छा जो जो खातरी लेने योग्य नहीं है उसकी खातरी करना और जो कमजोर है गरीब है बुद्धि उतनी चीजी नहीं है दिल के सच्चे हैं उनको पूछना ही ये अन्याय नहीं है एडवांस में कैसे होती है तो ब्रह्मा शरीर छोड़ देते आपकी इच्छा पूरी हो गई हाँ बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते मम्मा भी कहीं छोड़ देती और एडवांस में मम्मा बाबा को शरीर तो छोड़ना नहीं सहज तो नहीं सही छोड़े और बाबा तो शरीर छोड़ेंगे ही नहीं और ये बात पक्की है कि जन्म में जो गुणधर्म होगा वो गुणधर्म बीज में भी जरूर होगा अगर बीज नीम का है कड़ुआ है तो जड़ें भी कड़ु जरूर होंगी जड़ें अर्थात बेसिक नॉलेज में चलने वाली आधार होंगी जैसे ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में मृत्यु आ गई अच्छा एडवांस के जो बच्चे हैं पक्के पक्के या जो भी परिवार है बाप और बच्चों का वो मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन देश विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे है?
जैन। तो अगर बाप विश्व सेवाधारी है और खुदा खासा विश्व में सेवा करने के लिए भ्रमण करना पड़े, जैसे अभी भी तो देखने में आता है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और जो बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर लगाए रही है या उत्तर भारत में ज्यादा चक्कर काट रही है? दक्षिण भारत में ज्यादा टाइम जाता है। तो देखभाल में कुछ कमी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कर्म के रंग में कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा? चलो ये तो देश की बात हो गई, यहाँ तो जल्दी जल्दी आना जाना होता है, और विदेश में तो इतनी जल्दी आना जाना, और आगे चल करके तो बताया कि बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्या लाखों रुपया खर्च करेंगे तो भी नहीं निकलने देंगे देश के बाहर? तो आना जाना और भी मुश्किल होगा। तो उस समय स्वच्छंदता बाप के बच्चों में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? स्वच्छंदता माने मनमानी करेंगे या नहीं करेंगे? अरे बोलते नहीं, तो रावण राज्य की शूटिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आत्मा चार अवस्थों से पसार होती है, राम वाली आत्मा अभी किस पसार है? यदि समूह है तो ध्यान के अच्छे से पॉइंट कैसे सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा की गोद में बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे, ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो, किसकी गोद में आए? अगर शिव बाबा की गोद में आए तो पास, अगर ब्रह्मा की गोद में आए तो फिर ऐसे ही आप जो ज्ञान सुनते हैं शिव बाबा से सुनते हैं या देहदारी से सुनते हैं, है? फिर बात खत्म हो जाती। राम की आत्मा 100% समूह प्रधान, ब्रह्मा की आत्मा 100% तो प्रधान, ब्रह्मा की आत्मा तपस्या करके परिता चलो धारण करती है, क्या वो 100% रजु प्रधान की स्थिति प्राप्त करती है क्या? प्रवेश किसमें है? जो प्रवेश है जिस रथ में, उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला आप किसको देखते हैं? पकड़ा गया। आप शिव को देखते हैं सदैव या देहदारी को देखते हैं? सब को तो नहीं देखते हैं। है? राम रावण भी बनता है, ऐसे हो जाता है राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंदर, शूटिंग यही हो जाती है। ये अपनी भावना की बात है, बुद्धि में तो ज्ञान बैठ गया कि शिव बाप प्रवेश करता है वो कर, लेकिन हमको ये याद कितना रहता है, भूल जाता है तो फिर वैसी प्राप्ति होगी। चौरासी का चक्कर चलाना है, सुदर्शन चक्कर चलाने का तरीका क्या है? तरीका है संगम युग सचिव श्रेता द्वापर कलयुग संगम सचिव श्रेता द्वापर युग संगम, ये तरीका है। एडवांस का क्या तरीका है? एडवांस का तरीका है अपनी आत्म की स्थिति में रहना, जितना हम तीन रूप स्टेज में रहेंगे प्रैक्टिस करने में, बीज रूप की स्टेज धारण करने में मेहनत है,
या संकल्प विकल्प चलाने में मेहनत है, बीज रूप स्टेज धारण करने में पुरुषार्थ है, मेहनत है। हम अकेले जितने ही बैठ करके बीज रूप स्टेज में टिक जाएंगे, अनुभव करके देखना, सारा दिन सारा दिन मनन चिंतन मंथन ऑटोमेटिक चलेगा। विस्तार ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ट्रेन कर दिन में विस्तार में गए हैं, वो हमारी आदत पड़ी हुई है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, है? हाँ, बीज रूप स्टेज में टिकना है, आत्म की स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करना है। आप करके देख लेंगे क्या? उसे तो मुंह के बोलने से देख लेंगे, करके देखिए। हमने बताते हैं महिलाओं में हमें भक्ति भाव बहुत होता है, भक्ति बहुत होती है, भक्ति से काम करते हैं, पुरुष पवित्रता से काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को ही दबाया जाता है, ये कहा जाता है कि आपको बोलना नहीं है, ये बातें तो करते रहो, तो ऐसा किस लिए? वो नहीं करनी, हमसे ही बोलना, जो बोलना आगे नहीं जाना, किस लिए ऐसा? बाबा तो बताते हैं, अभी माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगे। बाबा ने कहीं बोला कौन स्वर्ग का गेट खोलेंगे, उनको तो पीड़ा ही थप्पड़ मार दिया है पुरुष का दुर्योधन दुष्ट। आपको तो बाबा जैसे सहला रहे हैं, आप स्वर्ग का गेट खोलने वाली है। फिर कहीं कहीं मुरली में बोल दिया है स्पष्ट, कोई कोई माताएं हैं जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती, नरक का दरवाजा आंखों के द्वारा भी खोला जाता है और इंद्रियों के द्वारा भी खोला जाता है। अगर वो दरवाजा खोलना बंद कर दे तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त तो उसी समय से बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी? बनेगी ना, उसी समय से केवल शक्ति बन जाएंगी। इसलिए अपमान होता है द्रौपदियों का। द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ, क्या मालूम है? ये किस लिए हुआ? नहीं मालूम किस लिए हुआ है? हाँ, देवान में आकर के जो मन में मुंह से आया तो बोल दियो। क्यों बोला? मेरा देवर है, देवर पे मजाक करने में कोई फर्जा नहीं है। मजाक में भी कहीं भी देवान की बातें ना हो, देवान खत्म। उसके पूर्व जन्मों का कुछ दोष है या नहीं है? भले ज्ञानी ने आया, लेकिन पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म उसी ने किए हैं। जो आत्मा वो आकर के विविधान डाल रही है, पहले हमसे निपटो, हमारा तो हिसाब किताब पूरा करो। अब भले ठीक हो गया, लेकिन सहन तो करना पड़ेगा ना। माताएं कहती हैं हमको बहुत बंधन डाला जा रहा है, लेकिन ये कहने के साथ साथ ये भी तो सोचे कि हमको इतना बंधन क्यों डाला जा रहा है? पूर्व जन्म में हम भी दाढ़ी को चुमाने बने थे कि नहीं? हमने भी बंधन डाला हो। ये कर्मों की भूय गति है, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा जरूर। इसलिए अभी पक्का कर देना है कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार खराब कर रहा है, हमें उसको रिटर्न में अच्छा करना है। हम अच्छा करेंगे तो हमको जन्म जन्मांतर अच्छा ही मिलेगा।
हाँ।